सेवनाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पर्यावरण विकास के बीच संतुलन है जरूरी। अभी हाल ही में मुंबई से खबर समाचार पत्रों की तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी। उक्त खबर जिस घटना से संबंधित थी वह सीधे सीधे पर्यावरण और विकास से जुड़ी हुई थी। बता दें कि वहां पर मेट्रो ट्रेन और उसके शेड निर्माण के लिए लगभग 2700 पेड़ों को काटा जाना था। जाहिर है इससे मुंबई का विकास भी होता है और साथ में आवागमन की दुविधा भी काफ़ी हद तक सुगम हो जाती है। लेकिन इस आपाधापी में प्रशासनिक पक्ष को यह स्मरण नहीं रहा कि मुंबई महानगर जैसे बेहद व्यस्त एवं भीड़भाड़ इलाके में इतने सारे पेड़ों का काटा जाना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। जब प्रशासनिक अनदेखी पर्यावरण के लिए खतरा बनी तो मुंबई के आम आदमी ने इस पेड़ों को बचाने के लिए कमर कसी और अच्छा खासा आंदोलन खड़ा कर दिया। यह बात और है कि पर्यावरण के प्रति मुंबई में चेतना तब जागी जबकि मेट्रो के नाम पर लगभग 2200 पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी जागृत हुआ तो मानो मुंबई के प्रशासनिक क्षेत्रों में हंगामा भरपा हो गया। फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट को तत्काल मामले की सुनवाई करनी पड़ी और मेट्रो संबंधी पूरी योजना अवलोकनार्थ विद्वान न्यायाधीश द्वारा मंगवाई गई। इस आंदोलन के और न्यायालयी हस्तक्षेप के बाद पेड़ बचेंगे अथवा काट दिए जाएंगे यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि मुंबई के आम आदमी ने देर से ही सही पर्यावरण के प्रति अपनी जागृति साबित की और मामले को सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान तक पहुंचा दिया। ऐसे ही अनेक मामले देश के विभिन्न प्रांतों से समय समय पर सामने आते रहते हैं जिनमें एक ओर शासन पक्ष विकास के नाम पर जंगलों का सफाया करने हेतु तत्पर नजर आता है तो दूसरी ओर पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखने वाले आम आदमी पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा कर हेतु कटिबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन वहां वहां देखने को मिलते हैं जहां प्रशासनिक पक्ष विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चलाना चाहता है जबकि पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक पेड़ों को जान देकर भी बचाने को आतुर तत्पर नजर आते हैं। यह जागरूकता भोपाल में भी उस वक्त देखने को मिली थी जब राजधानी के विधायकों के लिए नए विश्राम गृह निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया था। तब पता चला था कि उक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए महानगर में कम से कम 1 एकड़ का जंगल उजाड़ दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2015-16 में तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा उक्त आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया था। तब लगभग 150 पेड़ काटे भी जा चुके थे लेकिन तभी भोपाल वासियों को इसकी भनक लग गई और वे पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ आ डटे जहाँ पर विश्राम गृह के नाम पर जंगल को साफ किया जा रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन शिवराज सरकार को विधायकों के नए विश्राम गृह बनाने का निर्णय ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया था। लेकिन अब खबर मिली है कि उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वर्तमान कमलनाथ सरकार आगामी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आ रही है। जाहिर है कि यह प्रस्ताव पारित होता है तो पेड़ आज से लगभग 5 साल पहले आम आदमी की जागरूकता चलते कटने से बच गए थे वह अब एक बार फिर नेस्तानाबूद किए जाएंगे। यह खबर विधायकों के नजरिए से भले ही सकारात्मक दिखाई देती हो लेकिन यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो उसके केवल और केवल विनाश की ओर बढ़ते कदम के रूप में ही आंका जा सकता है। हम यह नहीं कहते कि विधायकों के लिए सर्व सुविधा युक्त और आरामदायक विश्राम गृह नहीं बनाए जाने चाहिए। हाँ, इतना जरूर चाहते हैं कि इस तरह की विकास योजनाओं के नाम पर पर्यावरण को नजरअंदाज किया जाना ना तो भोपाल के हित में है और ना ही देश व प्रदेश के हित में, क्योंकि पहले ही विकास के नाम पर हम राजधानी में हजारों पेड़ तबाह कर चुके हैं। उसका प्रभाव यह है कि यहाँ के तापमान में आंशिक रूप से नकारात्मक परिवर्तन आया है। यह हम चाहते हैं कि भोपाल पेड़ पौधों से वंचित हो गए हैं, अन्य महानगरों की तरह प्रदूषित ना हो तथा इसकी हरियाली सदा वत्सला बनी रहे तो हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का परिचय तो देना ही होगा। वैसे भी देखा जाए तो राजधानी के भीतर विधायकों और उनके परिजनों समर्थकों व शुभ चिंतकों के रहने के लिए विश्राम गृहों की कमी नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश के कुल विधायकों की तुलना में कई गुना अधिक तादाद में पहले से ही विधायक विश्राम गृह उपलब्ध है। वैसे भी जब सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही हो इस तरह की फिजूल खर्ची वाले प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाने को कतई तर्कसंगत नहीं किया जा सकता हो। ऐसा करने के लिए नाथ सरकार की कोई मजबूरी आड़े आ रही हो लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करना हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि पर्यावरण के हित में राजधानी वासियों को की ओर से सरकार का ध्यान इस ओर हर हाल में खींचा जाना चाहिए। इस बोध के साथ विधायकों के अनावश्यक विश्राम भले ही और बन जाए लेकिन इनकी कीमत पर पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। 7i न्यूज़ के लिए मोहनलाल मोदी की रिपोर्ट।